हाई एवरी वन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आपके एम पी पी सी एस प्रिलम्स के क्वेश्चन जो uh, हैं उनकी डिस्कशन कर लेते हैं आई होप कि आपका पेपर जो है बहुत अच्छा हुआ होगा आपने बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर्स देख लिए होंगे अब हम बात करते हैं सिक्सटी वन ऑनवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग गर्नर्स ऑफ एम पी हैव नॉट बीन मेम्बर्स ऑफ कॉन्सि टेंट असेंबली ऑफ इंडिया जेवी पत्साकर, पथ निरंजन नाथ वांचू सत्यनारायण सिन्हा एंड के सी रेड्डी सो so, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है निरंजन नाथ वाचू और सत्यनारायण सिन्हा तो ये दोनों ऐसे हैं जो कि अभी तक नहीं रहे तो यहाँ पे आपका करेक्ट कोड आएगा बी टू एंड थ्री चलिए अगला देख लेते हैं हु अमंग द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ नॉट हेल्ड ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ड्यूरिंग हिज टेन्योर सो इनमें से कौन से चीफ मिनिस्टर्स हैं ज, ज, जो जिन्होंने लीडर ऑफ द हाउस का जो है नहीं लिया है अभी तक टाइटल सो so, यहाँ पे सिक्सटी सेकेंड का आंसर भी बी है दैट इज़ गोविंद नारायण सिंह ही हैज़ नॉट बीन

चलिए अगला देखते हैं हम सिक्सटी फोर्थ हु विल प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा इन एबसेंस ऑफ सरपंच एंड अप सरपंच इन मध्य प्रदेश देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर सरपंच और उप सरपंच नहीं होगा ग्राम सभा का तो कौन प्रिसाइड करेगा मीटिंग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत फॉर दिस पर्पज द ओल्डेस्ट

सिक्सटी फिफ्थ का देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टैंडिंग कमेटीज़ ऑफ जिला पंचायत इन दी मध्य प्रदेश तो स्टैंडिंग कमेटीज़ कौन कौन से हैं इसमें से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी एग्रीकल्चर कमेटी एडुकेशन कमेटी तो देखिए यहाँ पे तीनों ही स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं अगर हम ज़िला पंचायत की बात करें तो यहाँ पे आएगा डी वन टू एंड थ्री दीज ऑल आर करेक्ट चलिए सिक्सटी सेवेंथ क्वेश्चन लेट सी सिक्सटी सेवेंथ क्वेश्चन इट हैज सॉरी यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हीट इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस या फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ ऑयल सीड्स तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलट्स ए सिक्सटी सेवन क्वेश्चन ऑन विच डेट विमुक्ता जती डी नोटिफाइड ट्राइब्स डे इज़ सेलिब्रेटेड इन मध्य प्रदेश देखिए जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनके लिए कौन सा दिन मनाया जाता है थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट फिफ्टीन जुलाई फिफ्टीन सेप्टेम्बर या फिर ट्वेंटी फर्स्ट मार्च सो द राइट आंसर इज़ थर्टी फर्स्ट ऑगस्त सिक्सटी एट श्री राम साहेब पांडे इज एसोसिएट विद विच फोक डांस आर्ट राय बिहू, लवानी या फिर नोटंकी देखिए यहाँ पे राय आएगा करेक्ट आंसर क्योंकि बाकी जो है नोटंकी वगैरह वो दूसरे स्टेट्स के हैं बिहू भी, भी दूसरी स्टेट का है श्रीमती दुर्गा बाई व्याम इज़ एसोसिएटेड विद विच ट्राइबल आर्ट बहुत सारे ट्राइब्स हैं तो ये सारे ट्राइबल आ, नेम्स हैं इसीलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था गोंद ट्रेडिशन भील ट्रेडिशन बैगा ट्रेडिशन या सहारिया ट्रेड। ट्रेडिशन तो यहाँ पे द राइट आंसर इज श्रीमती दुर्गाइंग डिस्ट्रिक्टेंटेटिव प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट बहुत ही पॉपुलर स्कीम है तो उसी के रिलेटेड आप कह सकते हैं बालघाट बेतुल खारगोन एंड नारसिंहपुर तो ये सारे डिस्ट्रिक्स हैं और इनके टेंटेटिव प्रोडक्ट्स के साथ आपको इनको मैच करना है सो बालघाट इज फेमस फॉर कोडो कुटुक्की ओके बेतुल इज फेमस फॉर तीकवुड खारगोन इज फेमस फॉर चिली एंड चिली प्रोडक्ट नारसिंगपुर फॉर स्प्लिट पिजन पी एंड जैगरी सो डी इज द राइट आंसर द फेडरल सिस्टम प्रपोस्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव वॉर्स ऑल इंडिया फेडरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया यूनाइटेड इंडिया या फिर इंडियन कॉन्फेडरेशन तो प्लॉलिटी का यह क्वेश्चन है अब आपको बताना है कि फेडरल सिस्टम जो कि 1935 जिसको ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है तो वो आ, उसके कहने का क्या मतलब था तो फेडरल सिस्टम वॉज ऑल इंडिया फेडरेशन फेडरेशन की बात करें तो जैसे सेंटर और स्टेट आ, की पावर्स हैं हमारी स्टेट्स और सेंटर में पावर्स डिवाइडेड हैं तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर तो सेवेंटी फर्स्ट का है ए विच मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया डिड जवाहरलाल नेहरू ले डाउन दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था 1928 में तो जब लेकर आए थे तो कॉन्स्टिट्यूएंट uh, असेंबली की कौन सी मीटिंग थी जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था तो थर्ड मीटिंग थी सो so, सेवेंटी टू का है बी करेक्ट आंसर सेवेंटी थर्ड देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड अंडर द दर्टिकल वन जीरो पार्लियामेंट देखिए जब भी जॉइंट uh, सिटिंग बुलानी है तो स्पीकर जो है वो जॉइंट uh, सिटिंग को प्रिसाइड करता है लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड अंडर दिस आर्टिकल टू समन अ अंट सिटिंग तो इंटेंशन ऑफ द प्रेजिडेंट सेटिसफैक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट या फिर कंसेंट ऑफ द प्रेजिडेंट बड़े ही क्लोज से op, जो ऑप्शन थे तो इसका राइट right आंसर है ए इंटेंशन ऑफ द प्रेजिडेंट इज रिक्वायर्ड द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेजिडेंट राज्यसभा एंड लोकसभा प्रेजिडेंट राज्यसभा एंड लोकसभा या फिर डी नन ऑफ दीज तो देखिए यहाँ पे प्रेजिडेंट राज्यसभा एंड लोकसभा तीनों ही मिलकर बनाते हैं इंडिया की पार्लियामेंट विच आर्टिकल ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिश अन आर्टिकल 14, 15, 17 या फिर 19 बहुत ही आसान सा सवाल है तो आर्टिकल 17 अबोलिश दी अनटचबिलिटी 14 इज अबाउट द इक्वालिटी 19 इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन चलिए सारा गा सी ये एक ऐसा सी है जिसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है तो ये बहुत ही बार ये क्वेश्चन स्टेट एग्जाम्स में पूछा गया है तो सारा का सा सी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है तो पूछा गया कि कौन से ओशन में लोकेटेड है नॉर्थ अटलांटिक ओशन साउथ अटलांटिक इंडियन ओशन या फिर नॉर्थ पैसिफिक ओशन सो इट इज़ इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन द राइट आंसर इज़ ए 77th, which one of the following waterways has more economic and strategic significance? So, if we look economically important decay in waterways, which strait or canal do Park strait, Malacca strait, Sioux canal fir Panama canal? So, the right answer is Sioux canal, very important from the economic point of view. Among the following, which one is not a young fold mountain? Sierra Nevada, रॉकी माउंटेन हिमालय या फिर एल्पस सो द राइट आंसर हेयर इज नवेडा। विच ऑफ द टू कंट्रीज इज डिवाइडेड बाई मैकमोहन लाइन वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बार न्यूज में ये रहता है इंडिया एंड चाइना चाइना एंड अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड इंडिया या फिर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान तो राइट आंसर इज इंडिया एंड चाइना ट्रक फार्मिंग इज एसोसिएटेड विथ दे वेजिटेबल्स मिल्क सीरियल्स या फिर पोल्ट्री तो देखिए ट्रक फार्मिंग वेजिटेबल्स के साथ इनिशिएटेड है तो यहाँ पे ए है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्योंकि क्या है कि जैसे ही फार्म्स में वेजिटेबल्स लगती हैं तो उनको uh, प्लग करके ट्रक्स में लोड करके बाद में उनको बेचा जाता है इसीलिए इट इज़ एसोसिएटेड विद द वेजिटेबल्स सो दैट वॉज ऑल इन द सेक्शन आई होप कि आपके पेपर बहुत अच्छा गया होगा थैंक यू फॉर बींग अस थैंक यू फॉर वॉचिंग स्लीपी क्लासेस